नमस्कार जनप्रिय में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिग्गज और नंबर 3 के प्रचारक दत्तात्रेय हौसबोले और मनमोहन बैद उनका सत्र हुआ, और सत्र के दौरान पूरी तरह से उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक संस्कृति है और कई मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीयता और इन तमाम पहलों को लेकर के उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं। और जो मंच पे जो सवाल उनसे किए गए, खुल करके उन पे चर्चा की गई, सवाल यह है कि पहली मर्तबा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सैफ्रन का कलर भी देखने को मिल रहा है, और यही एक बड़ी वजह है कि जो सवाल उठ रहा है, सियासी हलके हों या फिर साहित्य जगत से जुड़े वो रचनाकार जिनका साफ कहना है कि इससे या तो ये कहा जा सकता है कि लिटरेचर फेस्टिवल वो एक प्लेटफॉर्म में है जहां अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जाना जाता है, उस पर भी अब सरकारों का असर दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें इसमें एक बार नहीं बुलाया गया है या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। चलो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कम्युनिस्ट नेता निखिल चंद्रानी साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिख साहब हैं, कांग्रेस नेता सुनील शर्मा साहब हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हमने आमंत्रित किया लेकिन वो नहीं आ पाए। और चलिए मैं मनीष जी आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में साहित्य के इस जगह, कला जगत में भी माना जाए कि सरकारों का असर है, तो इस अभिव्यक्ति की आजादी कैसे कही जा सकती है? बड़ी बात यही है योगेश जी के, जब 9 बरस से लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और उस समय किसी एस्पेक्ट पर वो बुलाते हैं, तो ये डिपेंडेंट तो सारी बात आयोजकों पर ही है कि उनको किन साहित्यकारों को बुलाना है, किन विचारधाराओं पर चर्चा करानी है, किन लोगों के जरिए वो कोई लिटरेचर फेस्टिवल को समाहित करना चाहते हैं किन लोगों को, ये तो आयोजकों पर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये बात भी है कि जब विचारधारा की बात आती है तो कोई एकांगी विचार को लेकर चल रहे थे और फिर उसके बाद में पाकिस्तानी साहित्यकारों को, बांग्लादेश के साहित्यकारों को, इनको भी बुलाया गया, तो जिस तरह से कि इंग्लिश साहित्यकारों को बुलाया जाता है, तो अगर प्योरली साहित्य की बात होगी तो इतने दिन तक सुप्रेज करने की कोई बात नहीं थी, जिस कदर जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको परे रखा गया था। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कारण तो है जिसके कारण ये चीजें प्रभावित होती है। तो माना जा सकता है कि एक विचारधारा, जब अन्य विचारधाराओं को यहाँ पे अलाउ किया गया तो इससे पहले ही बुलाया जाना चाहिए, और अभी वक्त जब आया था उसके बाद में आरएसएस को भी यहाँ पे एक अलग से सत्र करने का मौका मिला है। तो ये मनीष जी सवाल वही उठ रहा है कि सरकार के इम्प्रेशन में साहित्य जगत भी अब सरकार के इम्प्रेशन से साहित्य जगत भी अब अछूता नहीं रहा है, या ये कहें कि अब साहित्यकारों की भी या उनके आयोजकों की भी मजबूरी हो गई है कि सरकार जैसे चाहे वैसे ही रंग बदलना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे भी देखता हूं योगेंद्र जी कि जो जिसको लेफ्ट एंड राइट एस्पेक्ट देखते हैं, हाँ, तो अकेले लेफ्ट की बात करने पर जो वहां का आकर्षण है वो कम हो रहा है कि आप केवल एकांगी बात कर रहे हैं, और दुनिया में तो जिन चीज की सफलता का डंका बोल रहा है वो एक राइट अप्रोच भी है, और उसको कोई आरएसएस इस बात से राइट अप्रोच को सहमत करेगा ये तो अलग बात है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करके और उसको एक स्थान देना इस एस्पेक्ट पर कि वो अपने आप में एक समूची या एक पूर्णांक विचारधारा है, उनको तवज्जो देकर टाइमली फर्स्ट डे सेकंड डे बुलाना और उनका अलग से सत्र पे विचार व्यक्त कराना, ये भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। चलो देखिए चंदानी साहब हमारे साथ में। चंदानी साहब, लिटरेचर फेस्टिवल देखिए ये वैसे तो जिस तरह से कहा जाता है कि साहित्य का कुंभ है और इसमें बेबाक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपने अंदाज में जीते हैं, वो एक अलग ही एक जमाने की बात करते हैं और आने वाले जमाने की परवाह भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं और वर्तमान में जीने का एहसास भी कराते हैं, वही एक उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या वास्तव में इन पे भी कोई सरकारों का असर पड़ने लगा है? सरकार का असर निश्चित रूप से सब जगह पड़ रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में विचार की अभिव्यक्ति को लेकर के जिस तरीके से दाभोलकर को और बाकी तमाम लोगों को, विचारकों को
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने लिक्विडेट करने की कोशिश की, उनको मार दिया गया। तो ये जो असहिष्णुता है वो शासन के अंदर में अपनी कमजोरियों को जो तक है, और साहित्यकार होता है उसके अंदर में लेफ्ट विचारधारा प्रगतिशील का द्योतक होता है, परिवर्तन का द्योतक होता है। लेफ्ट विचारधारा के अंदर में अगर हम कहें तो सबसे मूर्धन्य नाम हम राहुल सांकृत्यन का ले सकते हैं, जिनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने पार्टी के साथ मतभेद होते हुए भी आज भी हम उनकी विचारधारा को मानते हैं और उनको कहते हैं जिस तरह की साहित्य की रचना उन्होंने की। यशपाल जो सत्य जो आजादी की लड़ाई के अंदर में उनके साथ रहे, भगत सिंह के साथ रहे, उनके साथ रहे, उन्होंने जिस तरह की रचनाएं की उनमें किसी तरह का ये नहीं कहा जा सकता कि ये पर्टिकुलर राइट या लेफ्ट के अंदर में है। साहित्य को अगर देखा जाए तो समाज का प्रतिबिंब कहा जाना चाहिए, साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है जिसके अंदर में विचार बहुत सारी विचारधाराओं का समन्वय होता है। ये सत्ता में आने के बाद में जिस तरह की कोशिश ये सरकार कर रही है वो अपने विरोधी विचारधारा का दमन करने की कोशिश कर रही है और उनको आगे बढ़ने के लिए रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस फेस्टिवल के अंदर में भी एक निश्चित विचारधारा को लेकर के लेफ्ट विचारधारा ने हमेशा ही इस देश के अंदर में अजंबा रखने का काम किया है कि देश किस तरफ में जाएगा और किस तरह से इसकी प्रगति होगी, ये एजेंडा रखने का काम किया। और साहित्य के अंदर में भी इन्होंने इसी तरह के आगे बढ़ने के क्या आयाम होंगे इन आयामों को रखने का प्रयास लेफ्ट विचारधारा ने किया है, इसलिए उनको दबा करके या उनको अवॉइड करके अगर आप साहित्य की परिकल्पना करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं ये फालतू है। दूसरा एक और इसका एस्पेक्ट है, इन सारे के सारे आयोजनों के अंदर में आजकल कॉरपोरेट घरानों का वर्चस्व हो गया है और कॉरपोरेट घराने आप जानते हैं, पता नहीं आप इस चीज थ्योरी को मानेंगे नहीं मानेंगे, फांसीवादी ताकतें जब होती हैं आगे बढ़ती हैं तो कॉरपोरेट घरानों को उनका सहयोग मिलता है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये इस पूरे के पूरे आयोजन के ऊपर में इनका प्रभाव पड़ने लगा है कॉरपोरेट घरानों का, और इसलिए इसको एक जन आंदोलन के रूप में या जन अभिव्यक्ति के रूप में करने की आवश्यकता है, जिसके स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। चलिए सुनील शर्मा साहब हमारे साथ में हैं इस वक्त, लेकिन एक बार मैं सुनाना चाहूंगा कि मनमोहन वैद्य जिन्होंने मंच से क्या कहा, वैसे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने एक बार फिर मोहन भागवत के बाद मनमोहन वैद्य ने भी कही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और नए सिरे से इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के साथ में इसे लागू किया गया था वो मकसद हल नहीं हो पा रहा है, जब खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक बार फिर वक्त वही बिहार चुनाव के ठीक पहले मोहन भागवत ने वक्तव्य बयान देकर के एक सियासी गलियारों में काफी एक बड़ा कारण बना था ये, और बीजेपी को बैकफुट पे भी आना पड़ा था, कहा गया था उनका निजी बयान हो सकता है। एक बार फिर उत्तर पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी वक्त वैसा ही है और मनमोहन वैद्य ने भी कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। चले हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक बात सुनिए मनमोहन वैद्य क्या कह रहे हैं। वी आर अवर रेजिडेंट डिफाइंड पुस्तक श्री गुरु जी ने 1936 में लिखा था और वे संघ के पदाधिकारी नहीं थे। एक्चुअली सावरकर जी के बाबूराव सावरकर जी के एक मराठी पुस्तक का आधार लेकर यह पुस्तक नहीं लिखा, व्हाइट वाली, वो संघ का मत नहीं है। संघ का मत मैंने रद्दी के बारे में मगर एक वहां जो उल्लेख आता है, श्री गुरु जी ने 1972 में सैफुद्दीन जिलानी नाम के एक पत्रकार को डिटेल इंटरव्यू दिया है जो पब्लिश हुआ है, जो संघ की वेबसाइट पर है, वो जो मत है वो संघ का मत है ऐसा मैं मानता हूं। बंच ऑफ थॉट पुस्तक ये श्री गुरु जी ने भिन्न समय में जो भाषण दिए मुख्यतः उनका संकलन क्या हुआ है, वो एडिटर है, वो संघ का साहित्य है ऐसा हम मानते हैं। तो चले उन्होंने शिक्षा को फैलाया जाए इसका वकालत की है, जो सब कहते हैं कि बिना शिक्षा के उजियारा नहीं हो सकता है, इस बात की बड़ी वकालत की है, लेकिन आरक्षण को लेकर के मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है, लेकिन उनका अपना जो ये पूरा जो तर्क है उनका कहना है कि जिस मकसद के साथ में आरक्षण का विचार रखा गया था, आरक्षण को लेकर आया गया था, लेकिन वो मकसद हल नहीं हो पा रहा है, कौन इससे अभी तक वंचित हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, आरक्षित वर्ग अगर उससे अभी तक भी अगर अछूता है, जिन लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिलना चाहिए अगर वो भी अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो
आरक्षण की स्थिति है, उसमें खामियां है और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चलिए सुनील शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि साहित्य का महाकुंभ जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में इसे जाना जाता है, क्या सरकारों के प्रभाव का असर देखा जा सकता है? नहीं, निसंदेह देखा जा रहा है। छंगारी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि डेलिब्रेटली एक सोच को, प्रगतिशील सोच को सफोकेट करने का एक बहुत ही एक सोची समझी चाल के अकॉर्डिंगली ही पहले दाभोलकर की हत्या की गई, कलबुर्गी की हत्या की गई, और ये कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भी गवर्नमेंट के ट्यून में, गवर्नमेंट के साथ जो नहीं चलेगा उसका हश्र यही होगा। जब जिस समाज के अंदर कलम के ऊपर इतना भय और इस ढंग का अगर माहौल बना दिया जाए तो स्वाभाविक था, उसका बहुत ही जाहिर आना था कि इस लिटरेचर फेस्टिवल पर भी उसका इंपैक्ट नहीं आना था, और वो इंपैक्ट देखने भी जा रहा है। मैं बात यह है कि यह आपको यह समझना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे, किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए एक युवा में क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको वर्ल्ड व्यू बने और हिंदुस्तान एक सशक्त विश्व के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। और यही मैं मानता हूं कि किसी भी आदमी जो अपने आप को कहता है राष्ट्रवादी कहता है, उसके लिए पहली बात यह है कि वो पूरे देश के अंदर एक प्रगतिशीलता का एक वातावरण पैदा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युवाओं के अंदर लेके आए। तो जब अगर आप अवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो केवल आप फासीवादी हो सकते, आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद को, विशेषकर भारतीय राष्ट्रवाद की तो विशेषता भी है कि विभिन्नता में एकता की बात की गई है। जब तक आप हर ग्रुप को आप एम्पावर नहीं करोगे, नॉलेज एम्पावर नहीं करोगे हर क्लास को, हर स्टेटा को, और ये प्रगतिशीलता है। अगर आप ईमानदारी की बात करें कि लेफ्ट है क्या, तो लेफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं है, आप बताते इंक्लूसिवनेस कि अगर आप समाज के हर हिस्से को इंक्लूजन में नहीं लेके आएंगे तब तक आपको बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे। अब यह एक बात है कि आप ऐसे विचारकों को लेके आते हैं जो ये बात अगर कहते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, तो फिर आप मुझे समझ में आएगा 21वीं शताब्दी में आप कहां लोगों को ले जाना चाहते हैं? ऐसा विचार नहीं है, ये इंडिविजुअली आप विचार नहीं, मैं आपको तो बात देना है कि जिस देश का प्रधानमंत्री साइंस कांग्रेस के अंदर जाके और अगर गणेश सर्जरी के ऊपर शल्य चिकित्सा की बात करता हो तो इस समय दुर्भाग्य क्या होगा? देखिए स्पष्ट एक एक सरकार के अंदर जो लोग शिक्षा का महकमा संभाले, प्रधानमंत्री जो बने बैठे, अगर वो पुष्पक विमानों की बात करते हैं, अगर वो उन शल्य चिकित्सा